दुर्गा उत्सव के दौरान नवरात्र में डांडिया और रास गरबा का भव्य आयोजन हमेशा से ही प्रमुख आकर्षण रहा है। जय झूलेलाल गरबा उत्सव समिति की ओर से स्थानीय सिंधी स्कूल के ग्राउंड पर आयोजित 9 दिवसीय पारंपरिक डांडिया गरबा का भव्य शुभारंभ किया गया। माता रानी की वंदना आरती पूजन व इष्ट देव झूलेलाल जी की आराधना के साथ बाबा अमरदास उदासी के हस्ते दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। प्रथम दिन लगभग 800 युवा युवती तथा महिला पुरुषों ने एक साथ गरबे की धुन पर डांडिया का रास किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में शामिल अतिथियों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हमारी संस्कृति सहित परंपराओं की पहचान कराती है। गरबा डांडिया कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सिंधी समाज के लोग 15 दिन पहले से कुशल प्रशिक्षक की देखरेख में म्यूजिक पर गरबा की स्टेप सीखते हैं। हर साल समाज के युवा युवतियों को गरबा उत्सव का काफी इंतजार रहता है। सिंधी समुदाय के लोग डांडिया और गरबा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। कोरोना काल के चलते आयोजन न होने से लोग मायूस थे। 2 बरस के बाद नवरात्रि उत्सव दौरान पुनः रौनक लौट आई है। सिंधी स्कूल के ग्राउंड पर डांडिया की धुन और गरबा की गूंज सुनाई देने लगी है। बेहतरीन म्यूजिक और लाजवाब लाइटिंग तथा लजीज खान पान के स्टॉल्स की उचित व्यवस्था काबिले तारीफ है, क्योंकि गरबा के आयोजन देर रात तक चलते हैं। ऐसे में गरबा के दौरान महिला सुरक्षा के लिए खासे पुख्ता इंतजाम किए जाने भी बेहद जरूरी है। इस मौके पर बतौर अतिथि विधायक विनोद अग्रवाल, शिवसेना जिला प्रमुख पंकज यादव, पूर्व नगर सेवक लोकेश यादव तथा कई लोग उपस्थित थे। केसरी उजाला न्यूज के लिए गोंदिया से रवि आर्य की रिपोर्ट।